नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पैनल के ऊपर रहने वाला है। हमारे पास एक सेट आया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 43 इंचेस का ये सेट है और ये MI का सेट है और इसके अंदर C-SOT का पैनल लगा हुआ है जो कि नो पिक्चर प्रॉब्लम में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बैक लाइट है वो इसका ऑन है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी फ़ोटो आपको नहीं दिखाई दे रही है। इसका मॉडल नंबर भी आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 43L43M5-AN ये इसका मॉडल नंबर है जो कि MI का सेट है। और इसके अंदर कौन सा पैनल है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप IC को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे C-SOT का ये यहाँ पे मेन प्रोसेसर है। और पैनल का नंबर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ST4251B01 ये हमारे पैनल का नंबर है। दो PCs भी इसके अंदर हैं, यहाँ पे उनको कनेक्ट किया गया है बीच में एक FFC लगा के। 6 इसके अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों सोर्स कॉफ है और 3 इसके साइड कॉफ है, ये इसके देखिए साइड कॉफ 3 इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है पैनल का। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने चेक करना है, तो सबसे पहले हम बूस्ट चेक करते हैं। यहाँ पे जो मल्टीमीटर है वो मैंने ऊपर रख दिया है। तो मल्टीमीटर में दोस्तों सबसे पहले हमको VCC जो है वो देखते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट VCC है वो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों VCC IC तक है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी हमें मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों AVDD जो है वो देखते हैं, AVDD भी नहीं है। यहाँ पे VGL का पॉइंट चेक करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों VGL भी नहीं है। यहाँ पे VGH का पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों VGH जो है लगभग 2 वोल्ट के करीब बन रहा है जो अब नॉर्मल है। तो हमारे जो सेट में है वो नो बूस्ट है, कोई भी वोल्टेज जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है 3.3 वोल्ट के अलावा। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि आपको ग्राउंड से शॉर्टिंग चेक करना होता है, जैसे VGL VGH AVDD को हमको मीटर को बजर की रेंज में रख के यहाँ पे चेक करना है। तो एक प्रॉब को मैं ग्राउंड लगा के यहाँ पे VGL को चेक करता हूँ, तो VGL में यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हम AVDD पे शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसी तरीके से हम VGH को भी चेक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक VCOM का भी पॉइंट है, तो VCOM को भी मैंने चेक किया, तो कोई भी यहाँ पे शॉर्टिंग हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद सबसे पहले हम VGL और VGH को आपस के शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे चेक करेंगे। एक प्रॉब मैंने VGL पे लगाया है और दूसरा जो है वो VGH पे लगा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने VGL और VGH को शॉर्टिंग के लिए चेक किया है, यहाँ पे मैंने VGL और VGH को यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए जब चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लगभग 62 ओम के करीब यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है VGH और VGL के बीच में। तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया है कि हमारा प्रॉब्लम है VGH और VGL के अंदर जो शॉर्टिंग है, उसकी वजह से हमारा जो DC-to-DC IC है वो बूस्ट जनरेट नहीं कर रहा है। इस तरीके से हमने इस शॉर्टिंग को देख लिया है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो VGL और VGH इस पैनल में, C-SOT का ये जो ये पैनल है जिसके अंदर साइड कोफ आप लोगों को मैंने दिखाया कि लगे हुए हैं, तो इसमें क्या रहता है कि जो VGL और VGH जो बूस्ट बनता है हमारा, तो हमारे वो साइड कोफ पे जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कभी भी VGL और VGH में अगर शॉर्टिंग आपको मिला है किसी भी पैनल में, तो सबसे पहले फिजिकली आपको कोफ को चेक करना चाहिए, जो भी हमारे सोर्स कोफ लगे हुए हैं या हमारे साइड कोफ लगे हुए हैं। तो फिजिकली हम इन कोफ को चेक करेंगे सबसे पहले कि कहीं हमारा कोफ तो स्पार्क नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे
जैसा कि हमारा ये कोफ है, सोर्स कोफ है, यहाँ से होते हुए VGL और VGH यहाँ पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस कोफ को चेक करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो लेंस की भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो आपके पास लेंस रहता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हमें शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई भी बर्न नहीं है। इसी तरीके से आप जो साइड कोफ होते हैं इनको भी फिजिकली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कोई यहाँ पे बर्न नहीं है। इसी तरीके से जो आगे के कोफ रहते हैं उनको भी आपको चेक करते जाना है। तो फिजिकली ज़रूर आपको पैनल को चेक करना होता है, कोफ को चेक करना होता है। तो इस साइड हमें कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। तो हम इसी तरीके से जो दूसरे हमारे सोर्स कोफ लगे हुए हैं उनको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी अगर पैनल आता है किसी भी कंडीशन में, नो बूस्ट में है, तो आपको चेक ज़रूर करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो इधर लास्ट वाला कोफ है, ये कोफ यहाँ पे लगा हुआ कोफ जो है, जो कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको मैं लेंस से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हल्का सा जो बर्न है, फोटो नहीं आ रही है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए दोस्तों स्पार्क हुआ हुआ है कोफ के अंदर। तो इसी वजह से हमारा जो VGL है VGH है आपस में शॉर्टिंग दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे 60 ओम का। तो ये जो स्पार्क है इसको हमको या तो साफ कर सकते हैं या फिर आप इस कोफ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्पार्क है वो इस साइड है, मतलब अगर उस साइड होता, दूसरी साइड, जिस साइड बफर लगे हुए हैं, जिस साइड कोफ लगे हुए हैं साइड कोफ, तो आपको इसको स्पार्क को साफ करके आपको VGL VGH है वो बाईपास करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको पहले साफ़ करेंगे और उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सर्जिकल ब्लेड है मेरे पास, इससे हम इसको हल्का हल्का यहाँ से साफ़ करेंगे जो हमारा बर्न है, उसके बाद हम अपना जो पैनल है उसको ऑन करके देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने इस स्पार्क को अच्छे से यहाँ पे देखिए जो है साफ़ किया है, जो बीच का हिस्सा वो हल्का सा काटा है मैंने। और अब हम यहाँ पे VGL और VGH की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्रॉप जो है वो VGL पे लगा रहा हूँ, दूसरी जो VGH पे। तो यहाँ पे कोई भी हमें शॉर्टिंग नहीं मिल रही है दोस्तों, हो सकता है हमारा जो शॉर्टिंग है वो निकल गया है। सबसे पहले हमको सेट को ऑन करके देखना है। आप यहाँ पर मैं ऑन करके देखती हूँ सेट को। देखिए दोस्तों, हमारा जो MI का लोगो है यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब कि हमारा जो पैनल यहाँ पे स्पार्क होने की वजह से नो बूस्ट में चला गया था, वो यहाँ पे उसके अंदर बूस्ट जो है वो बन गई है, हमारा बूस्ट जो जनरेट हो गया है। और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं MI का लोगो आ गया है और हमारा पैनल में यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स बन गए हैं। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको देख के उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो सेट है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है, हमारा पैनल जो है वो यहाँ पे रिपेयर हो गया है। अगर आपका ये स्पार्क दूसरी साइड होता, जिस साइड हमारे कोफ हैं, साइड कोफ हैं, तो आप यहाँ से इसको क्लियर करके यहाँ से VGH और VGL के जो जंपर उठा के आप साइड कोफ पे देके इसको रिपेयर कर सकते थे। या अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन है तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप किसी भी पैनल को इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।